The Visionary Leader Series. EP Kamita Films presents The Visionary Leader Series with Eshwar Prasad. Episode 8. Ratan Tata, The Man Who Leading with Compassion and Vision. Host Eshwar Prasad. Namaskar aur swagat hai The Visionary Leader Series mein, jahan hum un mahan netaon ki jeevan yatra ko kareeb se dekhte hain, jinhone apne anokhe drishtikon aur mooliyon ke saath udyogon aur samaj ko aakar diya hai. Main hoon aapka host, Eshwar Prasad. और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सबसे सम्मानित और प्रिय नेता रतन टाटा की। रतन टाटा का नाम सिर्फ व्यावसायिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि करुणा, विनम्रता और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने न केवल अपने नेतृत्व में टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। आज के एपिसोड में हम उनके अद्भुत सफर और उनके नेतृत्व के कुछ अनसुने पहलुओं को जानेंगे, तो आराम से बैठिए और सुनिए रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी। सेगमेंट एक, रतन टाटा की प्रारंभिक जीवन यात्रा। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था और वो जमशेदजी टाटा के परिवार से हैं, जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। हालांकि रतन टाटा को विरासत में एक बड़ा व्यवसाय मिला, उनकी अपनी यात्रा चुनौतियों से भरी रही। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की और 1962 में टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कभी भी इस तथ्य पर भरोसा नहीं किया कि वे एक बड़े परिवार से हैं। उनके काम और निर्णयों में हमेशा उनकी अपनी पहचान और दूरदृष्टि दिखाई दी है। उनके शुरुआती वर्षों में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और समझदारी से हर चुनौती को पार किया। सेगमेंट दो, करुणा के साथ नेतृत्व, ताज होटल हमले की घटना। रतन टाटा का नेतृत्व केवल व्यावसायिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके नेतृत्व में मानवता की झलक भी मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 2008 में हुए मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का। ताजमहल पैलेस होटल, जो टाटा समूह का हिस्सा है, उस हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कई कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर होटल के मेहमानों की रक्षा की। रतन टाटा ने हमले के बाद अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति जिस प्रकार का सहानुभूति और करुणा दिखाई, वह अद्वितीय थी। उन्होंने न केवल हर घायल और मारे गए कर्मचारी के परिवार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा और उनकी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया। यह घटना रतन टाटा की उस मानवीयता का प्रतीक है, जिसे वे हमेशा अपने नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सेगमेंट तीन, इंडिका और फोर्ड की कहानी। 1999 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली यात्री कार इंडिका लॉन्च की और शुरुआत में यह परियोजना असफल रही। टाटा मोटर्स को काफी नुकसान हुआ और रतन टाटा ने इसे बेचने का विचार किया। वे फोर्ड कंपनी के साथ एक बैठक में गए, जहां फोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए कहा, आपको कारों के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर आपने इस उद्योग में कदम क्यों रखा? यह शब्द रतन टाटा के लिए अपमानजनक थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। भारत लौटकर उन्होंने अपनी कंपनी की रणनीति को फिर से तैयार किया। कुछ सालों के भीतर, बल्कि बाद में उन्होंने खुद फोर्ड की दो प्रतिष्ठित ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को भी खरीद लिया। यह कहानी रतन टाटा की दृढ़ता और उनके कभी न हार मानने वाले रवैये का एक शक्तिशाली उदाहरण है। सेगमेंट चार, रतन टाटा का कर्मचारियों और समाज के प्रति दृष्टिकोण, 18 से 25 मिनट्स। रतन टाटा हमेशा कहते हैं कि अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। यह कथन उनके पूरे नेतृत्व शैली को परिभाषित करता है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह माना और उनका ख्याल रखा। टाटा समूह में हर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वे केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। चाहे वह स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध हो, शिक्षा की सहायता हो या अन्य सामाजिक कार्य, रतन टाटा ने हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज को प्राथमिकता दी है। टाटा समूह के CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम भी इसी सोच का हिस्सा है, जहां लाभ कमाने के साथ साथ समाज की सेवा को भी महत्व दिया गया है। सेगमेंट पांच, रतन टाटा से सीखने लायक नेतृत्व के पाठ, 25 से 29 मिनट्स। तो रतन टाटा से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात, करुणा और सहानुभूति से नेतृत्व करना। केवल व्यवसाय में सफलता पाना ही एक नेता को महान नहीं बनाता,
बल्कि यह भी जरूरी है कि आप अपने लोगों का ख्याल रखें और समाज को कुछ वापस दें। रतन टाटा ने हमेशा यह साबित किया है कि एक नेता की असली ताकत उसकी इंसानियत में होती है। दूसरी बात, धैर्य और दृढ़ता। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, रतन टाटा ने हमेशा धैर्य रखा और सही समय पर सही निर्णय लिए। इंडिका की असफलता से उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उसे एक सीख के रूप में लिया और फिर वही कंपनी विश्व स्तर पर सफल हुई। समापन। तो दोस्तों, यह थी रतन टाटा के नेतृत्व की प्रेरणादायक कहानी। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल आर्थिक सफलता से नहीं, बल्कि करुणा, सहानुभूति और धैर्य से परिभाषित होता है। उम्मीद है कि आपको आज की यह कहानी प्रेरणा देगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। मैं हूं आपका होस्ट ईश्वर प्रसाद और आप सुन रहे थे द विजनरी लीडर सीरीज। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक नेता की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।